गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए और धूप निकल चुकी है हर रोज़ की तरह। ये देखिए सन, बस थोड़ी देर वॉक करूँगी हाँ पहना। और तो गाइस ये देखिए अभी बज रहे 12 और मैं आ गई हूँ फ्रिज क्लीन करने। कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है फ्रिज, अजीब सा लग रहा है, घिन आ रही है मेरे को, पता है। मतलब अभी क्लीन करना है ना तो इसलिए और भी ज़्यादा बुरा दिख रहा है, बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो इसको मैं अभी क्लीन करूँगी। तो गाइस ये 2 घंटे बाद मैं सारा क्लीन कर चुकी हूँ फ्रिज बाहर से, अंदर से ये देखिए अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये मिल्क का पैकेट है जो कि हम काउ मिल्क पीते हैं, लेकिन ये पता नहीं ये दो दिनों से यही दे रहे हैं। तो ये सारा क्लीन हो चुका है, 2 घंटे में सारा फ्रिज क्लीन हुआ है बाहर और अंदर से। तो देखिए अब इसमें सामान फिल करूँगी बस। अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है इस क्लीन को देखकर, बहुत अच्छा। तो गाइस मैं आ गई हूँ लंच करने। लंच में है राइस और आलू टमाटर की सब्जी। सब्जी कुछ बचा नहीं था, टमाटर ही था, तो यही। तो गाइस ये हमारा स्नैक्स है जो कि मैं नहीं कर रही हूँ, पति देव जी कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बच गए हैं शाम के 7:10 और पोहा फ्राई खा लिया मैंने। शाम में आज स्नैक्स हुआ है, अब जस्ट चाय आने वाला है, चाय मेरी वाइफ बना रही है, तो आज अदरक वाला चाय पियेंगे। आपको पीछे सुनाई देना होगा, रात्रि आने वाली है इससे पता चल रहा है। देखते तो वाइफ आ चुकी है चाय लेके गर्मा गर्म। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, मजेदार, मतलब मजा सच में आने वाला, मुझे तो मजा आ गया था, उस टॉपिक पे बात करने वाली थी लेकिन अभी हिम्मत नहीं है तो वो कल के लिए छोड़ते हैं हम, ठीक है। और आज सुबह से बहुत काम था, क्लीनिंग वगैरह था फ्रिज का, क्लीनिंग जैसा कि आप देखे 1.5 घंटे 2 घंटे तो लग ही जाते, एक एक पार्ट निकाल के क्लीन करना 2 घंटे लग गए सब कुछ क्लीन करके। लेकिन अभी इतना खूबसूरत लग रहा है फ्रिज, मजा आ रहा है देखने में अभी। तो वही है, वही सब चल रहा था एकदम। अभी डिनर बना भी नहीं है, शाम को स्नैक्स हुआ है और डिनर अब बनाऊंगी। इसलिए स्नैक्स सोचा, ठीक है आज तो फ्राइडे है, कल हॉलिडे है तो आज लेट तक चलेगा। हाँ थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो चीज है, कल अपना डे है, छुट्टी का डे है तो। तो और नॉइज ज्यादा आ रही है इसलिए मुझे जोर से बोलो जय माता दी वाला, आज है जय माता दी। तो जोर से बोलना पड़ रहा है मुझे क्योंकि पीछे शायद पता नहीं, मतलब कुछ चल रहा है, कुछ इधर नॉइज रहना ही रहना है। हाँ, कुछ ना कुछ रहना ही रहना है, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा। अब तो मैं सन्नाटा में जाके रहूंगी, जंगल के पास जाके रहूंगी कि सिर्फ मुझे एनिमल्स बर्ड्स वगैरह का चहचहाहट सुनाई दे और बहता पानी और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिमाग उड़ चुका है इस चक्कर में, उड़ गया हिल चुका है, उड़ा नहीं है तो वापस लेती हूँ बात, हिल चुका है। तो गाइस प्लीज आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या ही बोलूं मैं गाइस आप लोगों को, नहीं आप जबरदस्ती का तो नहीं बोलूंगी ना कि बोरिंग लिखने के लिए, यार इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। थैंक यू सो मच गाइस, दिल से आत्मा से थैंक यू सो मच कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, जो हम बात करते हैं वो आपको अच्छा लगता है, हमारा ब्लॉग जो हम बना रहे वो आपको अच्छा लग रहा है, दिल से थैंक यू सो मच, ठीक है। ठीक है। और तो इंटरेस्टिंग कल, वैसे कल परसों से तो इंटरेस्टिंग आएगी,
बीते टाइम के साथ साथ ठीक है, बीते टाइम के साथ साथ क्या हुआ निकलते वक्त के साथ साथ और इंटरेस्टिंग बनेगा ये ब्लॉग, पक्का बनेगा ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि मेरे को ब्लॉग का ना कुछ पता नहीं था, वी और बी कुछ नहीं पता था, मेरे को लगता था इस पे फोटो क्लिक किया जाता है। और मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे इस ब्लॉग का मतलब कि हमारे लाइफ में एंट्री हुआ, नहीं अचानक से सडन, वो तब बताएंगे जब टाइम आएगा, सोच रखी है उस दिन बताएंगे ठीक है। तो मुझे लगता था ना कि ब्लॉग में फोटो क्लिक करके पोस्ट किया जाता है, बस मैं इतना शॉर्ट में बता देती हूँ, हादसा हो गया था ने? तो फ्रेंड्स, माय डियर लवली फ्रेंड्स, अगर किसी की शादी होती है तो हम इस ब्लॉग में भी लाएंगे ठीक है, आसपास में अगर किसी की शादी होती है तो, अगर नहीं हो तो फिर नहीं। जबकि न्यू ईयर पे देखते हैं क्या क्या लेंगे, प्लांट वगैरह भी लेंगे ठीक है, इंडोर प्लांट लेंगे अलग अलग थोड़े वैरायटीज के, एक दो ही लेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो लेंगे, पहले उसको देखना है, फिर पहले रिस्पॉन्स कैसा रहा देखेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। सही बात, तो यही सब है और बस अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, यही सब मतलब ब्लॉग वगैरह का, और फिर मैं अभी खाना बनाऊंगी, फिर डिनर पे मिलते हैं, चाय पी लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। तो अब डिनर करेंगे, डिनर में है वो भी आलू का भुजिया और रोटी विद सलाद, अभी तुरंत फ्रेश सब्जी ऑर्डर हुआ और तुरंत बन भी गया, तो अभी फ्रेश फ्रेश सब्जी का मजा लेंगे। और आप एक गलत फहमी में हैं, ये फ्रेश सब्जी का नहीं है, ये 3-4 दिन पहले जो सब्जी आया था उसका फ्रेश सब्जी वहाँ रखा है। ओह माय गॉड, ये तो कंफ्यूजन हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, मिस्टेक हो चुका है, कोई बात नहीं। हाँ सब्जी तो आप लेफ्ट हैंड से खाएगा, इससे खाऊंगा, मुझे लगा कि लेफ्ट से, उल्टा लग रहा है मेरे को कुछ, उस प्लेट को उधर घुमाइए, हाँ और रोटी उधर पलटिए, अब खाइए, अब करें, प्लेट भी तो सही डायरेक्शन में होना चाहिए ना, तो वो चीज है, सब्जी बहुत कुछ है, बहुत अचार नहीं है, अचार चाहिए, ये मिर्च में रखी हुई है, ओके मिर्च खाने में तो आपको बनाओ। तो
गाइस बात ये है कि अभी हमारे घर में लाइट ऑफ करने की बात हो रही थी। मैं अभी तक मैं 1 करोड़ टाइम्स बोल चुकी हूँ अपने पति देव जी को कि लाइट ऑफ करा करिए अगर यूज में नहीं है तो। लेकिन वैसे तो कर देते, कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे बोलना पड़ता है, समझ रही हो? घर की बात बाहर आ रही है, धीरे धीरे ऐसे ही बने रहिए, बहुत कुछ बाहर आएगा, मिर्च मसाला मिलेगा, बने रहिए बने रहिए, इंटरेस्ट है तो बने रहिए, फोर्सफुली नहीं है कुछ भी, क्योंकि ना तो मुझे फोर्स पसंद है कि मुझ पे कोई करे, ना तो मैं किसी पे करती हूँ, ये दो बात मुझ में है। तो अभी बताइए आप ऑडियंस को, बताइए कि आप लाइट ऑफ रखिएगा, याद रखिएगा आपसे? याद रखता हूँ मैं, कभी कभी भूल जाता हूँ। हाँ ये चीज तो है, देखिए कभी कभी से थोड़ा ज्यादा भूल जाते हैं, कभी कभी बोलते, ऐसा कुछ नहीं है। यही सारी चीजें हैं, तो कोई नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग भी जब लाइट का यूज ना हो तो ऑफ कर दिया करें, इस चीज का ध्यान रखिए। छोटी छोटी मोटी, क्योंकि मैं ये चीज ना बचपन से करते आ रही हूँ, हम इतना वेस्ट कर देंगे ना हर चीज कि फ्यूचर में किसी के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, फिर से वही टाइम आने वाला है जो अंधेरा रहेगा। अंधेरा तो नहीं रहेगा लेकिन पे बहुत करना पड़ेगा लाइट के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से पे करेगा? हाँ तो अंधेरा ही रहेगा। कुछ खराब ही रहेगा ना, लेकिन कुछ पॉजिटिव उसका तो नहीं आएगा रिजल्ट। तो गाइस यही है, रोटी खा ली है, राइस खाऊंगी थोड़ा सा। गाइस अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में नई सुबह के साथ। ठीक है, सुबह कितने बजे होती है देखते हैं, नई सुबह के साथ जितने बजे भी हो सुबह होना इम्पोर्टेंट है। वो तो होगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।